हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या बाय टारगेट। जैसे कि हमने बेसिक पार्ट के दो पार्ट डन करा दिए हैं, अब बेसिक पार्ट जहाँ स्ट्रक्चर हमने छोड़ा था उसके आगे भी गोइंग ऑन, आगे भी हम कंटिन्यू रहेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर इक्वल सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि हमें पता है, जस्ट एन एग्जांपल, यू स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोलते हो। स्पीक, हियर स्पीक क्या है? V5। एंड ही रीड्स अ बुक, हियर रीड्स क्या है? V1। तो इससे हमें क्लियर होता है कि V5 यूज फॉर V5 यूज फॉर सिंगुलर। किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए। और V1 करते हैं हम प्लूरल के लिए। इसके लिए प्लूरल के लिए, क्लियर? प्लूरल के लिए। अब जैसे अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट हमें जहाँ तक याद है, फिर हम रिपीट कर देते हैं, ही सी इट एंड नेम, क्लियर? आई यू वी दे एंड मोर देन वन, क्लियर? यानी कि स्ट्रक्चर जहाँ हमने छोड़ा था, सब्जेक्ट V1/V5, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमने बताया था। ये हम किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। किसमें करते हैं? V1 और V5 का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किसमें? प्रेजेंट में। अब जस्ट यू स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोलते हो, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। अब जहाँ पे बताया था V5 प्लूरल, और एक एग्जांपल दिया था कि जो हमारे डिक्शनरी के वर्ड होते हैं वो सभी V5 फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? V5 में। इसी स्ट्रक्चर से हम आज वर्क करेंगे। ओके, आज की क्लास बेस होगी इसी स्ट्रक्चर पर। इससे हम काफ़ी, हम टेंसों में नहीं जाके हम नॉर्मल वेज में आएंगे कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर वन, सी सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, तो नो का यूज हम यहाँ पे करते हैं, हम अपने काम में निपुण हैं, बहुत अच्छे से आता है, या गंभीर हैं उसे करने में। क्या है? गंभीर, या तो निपुण है या गंभीर है, या हमें वो आता है या जानता है। ओके, जानता है या आता है, जानता है या सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नोज टू हाउ टू। अब नो और नोज के साथ हम क्या यूज करते हैं? हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीन होता है जिस काम को हम करने में बहुत अच्छे से निपुण होते हैं। क्या होते हैं? निपुण, बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं उसे करने में। जस्ट एग्जांपल, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। इसका मीन क्या हुआ? मैं तैरना जानता हूँ। क्या हो गया? मैं तैरना जानता हूँ। नेक्स्ट,
ही नोज हाउ टू स्विम. ओके, यानी कि ही नोज हाउ टू स्विम. हियर नोज हमारा क्या हो गया, वी फाइव, और नो वी वन. ओके, वी वन वी फाइव. इस समय समझ में आता है कि अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट पुट हुआ है. किसके अकॉर्डिंग? फैक्ट है कि नो के साथ हम हाउ टू का यूज करते हैं, बट नो टू नहीं करते. हम इसे इस तरीके से यूज नहीं करेंगे कि ही आई नो टू इज स्विम, यानी कि मैं तैरना जानता हूँ. वो हमारा पैटर्न क्या होगा, रॉन्ग. यानी कि कोई ये कहे कि सी नोज टू स्विम, दैट अ रॉन्ग पैटर्न. ये हमारे कंपटीशन के पेपर्स में भी आते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हमें ये स्ट्रक्चर करना है कि नो के साथ हाउ, हाउ के साथ हमें टू का यूज करना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, सबके समझ में आ गया ये, यानी वी वन और वी टू. अब सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस सॉरी वांट्स, ओके, प्लस टू. ठीक है, ये ऑब्लिक है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये ऑब्लिक वर्ड है. अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट वांट वांट और वांट्स, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यानी वांट के जस्ट बाद हमारा क्या आएगा, टू आएगा. वांट के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, टू. अब हमें इसे किस कंडीशन में यूज करना, वी शुड डिजायर. वी शुड डिजायर, जिस काम को करने के हम इच्छा इच्छुक होते हैं, जिसमें हमारी इच्छा होती है. क्या होती है, इच्छा होती है. यानी कि हम ब्रैकेट में लिख देते हैं वी शुड डिजायर. वी शुड डिजायर, यानी जब किसी काम को करने की हमारी इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं, वी शुड डिजायर. यानी कि वी वॉन्ट, यस ही वॉन्ट वॉन्ट्स इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. जैसे कि ही वॉन्ट्स टू, ही वॉन्ट टू क्या करना चाहता है, वो स्विम. वो क्या करना चाहता है, तैरना चाहता है. यहाँ पे वॉन्ट्स का यूज हमने किस किया, उसकी इच्छा के लिए, कि उसकी इच्छा है, वो चाहता है. तो वो क्या चाहता है, तैरना. और यहाँ पे वॉन्ट्स का फॉर्म हमारा क्या हो गया, वी फाइव. क्या हो गया, वी फाइव. क्लियर? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी वॉन्ट टू टॉक विद यू, आई वॉन्ट टू से. तो वॉन्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे. ओके, क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड. यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं स्ट्रेस के लिए. किसके लिए, स्ट्रेस के लिए. जैसे बोलते हैं ना, मैं ये काम करता तो हूँ, यानी तो हूँ. कंडीशन क्या होती है, तो हूँ. क्या होती है कंडीशन, तो हूँ. तो हम इसे कैसे बोलेंगे, आई डू रीड. अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे याद रखें, पिताजी आए बाहर से, उन्होंने दो तीन चांटे लगा दिए खींच के, और कहते हैं पढ़ता नहीं है. तो आपका रिप्लाई क्या होगा, स्ट्रेस दिमाग को जोर डालते हुए, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ. आई डू रीड. डू यहाँ पे हमारा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, अब हमें इसे ऐसे भी लिखते हैं, ही डज डांस, यानी वह नाचता तो है, स्ट्रेस में बोलता है. किसमें बोलता है, स्ट्रेस में. यानी डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम किसमें करते हैं, स्ट्रेस वाले सेंटेंस में. किसमें करते हैं, स्ट्रेस वाले सेंटेंस में. सब स्ट्रक्चर नंबर फोर, स्ट्रक्चर नंबर फोर, स्ट्रक्चर नंबर फोर. डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
इसका यूज हम करते हैं अवश्य, इसमें अवश्य या जरूर वाली कंडीशन, इसमें अवश्य या जरूर वाली कंडीशन, यानी जो जरूर करना ही करना है। अब ये भी हमारी वी वन की कंडीशन है, ये भी, बट यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब का वर्क करेगा और यहाँ पे ये मेन वर्ब का करेगा। ओके, अब जैसे डू गो, मीन क्या हुआ, अवश्य जाना, डू कम अवश्य आना, डू रीड जरूर पढ़ना, हाँ डू कम टुमारो कल जरूर आना। ओके, समझ में आया, यानी कि जहाँ पे हम कंडीशन क्या रखेंगे, जरूर करना, करना ही करना है ये काम, कोई चॉइस में नहीं है। तो इस तरीके सेंटेंस में हम डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उम्मीद है सबकी समझ में आ ही रहा होगा, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अब एक मोस्टली हम क्या करते हैं, टेंसों में घुस जाते हैं और उस टेंस जिस वाक्यांश में ताती तेरा रही हा गागी गे ऐसे इस तरीके से समझ जाते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो फिर वहीं टंग जाते हैं, उन सेंटेंसों में भी कहीं कंफ्यूज रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को निकाल के जो कि हम रूटीन में ले आते हैं, जो कि बोलने, जैसे वहाँ पानी है, ओके, वहाँ धूल है, इस टाइप के सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा, स्ट्रक्चर देयर इज या आर, देयर इज या आर, फिर हमारा होगा प्लस नथिंग, क्या होगा नथिंग, क्या होगा नथिंग, प्लस व्हाट, प्लस नाउन, प्लस नाउन। ओके, तो यहाँ पे क्या हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देयर इज नथिंग, यहाँ कुछ भी नहीं है, व्हाट वाटर, क्या होगा व्हाट वाटर, ठीक है, देयर इज नथिंग व्हाट डस्ट। ओके, समझ में आया, देयर इज नथिंग व्हाट डस्ट, समझ में आया, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है वीडियो से रिलेटेड। अब मैं आपके लिए एक वर्क छोड़ती हूँ, आपको सेंटेंस बनाना है, वह पढ़ता ही तो है, यानी कि ये इसी स्ट्रक्चर पर बेस है, वह पढ़ता ही तो है, हम इसे कैसे बनाएंगे। ओके, क्लियर है, यानी कि इसका मतलब ये है वो कुछ नहीं करता, केवल पढ़ता ही है, तो हम कैसे बनाएंगे इसे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या नथिंग व्हाट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब आप खुद प्रयास करें, आई रिपीट, हम इसे एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि हमने जहाँ क्लास छोड़ी थी, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस वी वन ऑब्लिक फाइव ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ओके, इसका मीन क्या था, हमें वी वन और वी फाइव का यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, किस में करते हैं, प्रेजेंट में। यू स्पीक हिंदी, ही रीड्स बुक, इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ताती ते, जो हम पढ़ते आए, बट हम न्यू मॉडर्न पे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनको स्ट्रक्चर निकालना सीखें। वी फाइव हमारा होता है सिंगुलर के लिए, वी वन होता है हमारा प्लूरल के लिए, और सभी उम्मीद है सबको पता होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस नो ऑब्लिक नोज हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसे हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, निपुण और गंभीर, यानी जिस काम को करने में हम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत कैपेबल होते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमें आता है या हम उसे जानते हैं। तो आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी या इंग्लिश जो भी है, कि मैं उसे बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। क्लियर, स्ट्रक्चर नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक वांट्स
प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जहाँ पे हमारी डिजायर होती है विश ऑफ डिजायर, जिस काम को करने में हमारी इच्छा होती है। तो ही वॉन्ट टू स्विम, वो क्या करना चाहता है, तैरना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रन, वह क्या चाहता है, दौड़ना चाहता है। ओके, यानी यहाँ पे हमारी इच्छा होती है हम वहाँ पे इन सेंटेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर थर्ड, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम बहुत वर्डन बहुत दिमाग को जोर डाल के करते हैं कि जैसे हम वो काम करते तो हैं, फिर भी हम पे मतलब प्रेशर की। तो आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। ही डज डांस, वह नाचता तो है। वह हंसता तो है। वह करता तो है। तो इन्हें अपनी रूटीन में लाने की कोशिश करें, बोलें इनसे, इनसे स्ट्रक्चर निकालें। इनसे हम हज़ारों स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं जो कि हमारे रूटीन में बोले जाते हैं। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अवश्य जरूर, अवश्य अवश्य जाओ, डू गो, डू कम टुमारो, कल जरूर आना, डू रीड, जरूर पढ़ना, पेपर में आएगा, इस तरीके से बोल देते हैं तो उस कंडीशन में इस सेंटेंस को यूज करेंगे। अब लास्ट हमारा, वहाँ पानी ही पानी है, तो डेयर प्लस इज ऑब्लिकार प्लस नथिंग वट प्लस नाउन। तो इसका मतलब ये है कि हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। तो देयर इज नथिंग बट डस्ट, मैंने बनाया, वहाँ धूल ही धूल है। अब पानी वाला आप खुद बनाएं, और आपके लिए होमवर्क है, वह पढ़ता ही तो है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, डन।